राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज कर रहे हैं गन्ने की बुआई और गन्ने की वैरायटी, सभी वैरायटी लगाई हैं। वैरायटी है सबसे पहले 13235, 14201, 11015, 15023, 11106 और आपका 9709, 10001, 8005 और भी हैं, लगभग याद आ जाएंगी बता दूँगा। तो इस तरह से ये किसान भाइयों ये लगा रहे हैं पौध से, ट्रे में से निकाल के इसमें कैरेट में भर ली। और आप देखो किसान भाइयों, बिल्कुल नीचे देखो कैसी बढ़िया जड़ें आ रही हैं, एक फुट के फासले से ये इस तरह से लगवा रहे हैं। पहले पानी भर दिया और पानी भरने के बाद ये लगवा रहे हैं। और इधर की साइड में गन्ना बोया है, ऐसी डायरेक्ट बिजाई। वो सामने 17231, और वैरायटी सारी ही लगानी चाहिए। अब किसान भाइयों मैं आपको बताऊं, 13235 और 14201 बहुत ही बढ़िया वजन है, बहुत अधिक वजन निकल रहा है। थोड़ा सा 238 से थोड़ा सा कम है, लेकिन बीमारी नहीं है 35 के अंदर, बीमारी नहीं है। भले ही थोड़ा बहुत कम निकल जाए, लेकिन एक सिरदर्द होता है हर 10-15 दिन बाद कि अब ये फोका वहीं लग गया, टॉप बोर्डर लग गया, अब ये बीमारी वो बीमारी, स्प्रे कर दो। तो इसमें 13235 के अंदर वो टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। वजन ठीक है और 38 से कम है, वजन थोड़ा सा 38 से कम है, लेकिन निरोगी वैरायटी है, कम खर्चे की, कम लागत की वैरायटी है। ये इस तरह से ट्रॉली में भर के लिया है। ये जो प्योद आपको लगानी है, तो प्योद लगाने का तरीका ये है, इनकी जब आप इनकी रोपाई करो तो ऊपर से इनको कैंची से कटवा दो इस तरह से। तो इस तरह से कटवाने से क्या होता है कि जड़ों का विकास, पौधा सूखता नहीं है, जड़ें एकदम चलेंगी, पौधे को लगता है कि वो रुक गया या वो डेड हो गया, तो उस चक्कर में पौधा अपने तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो ये ऊपर से इस तरह से आप कैंची से कटवा सकते हैं, तो फिर पौध सूखने की जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगी, कम क्या बल्कि सूखती नहीं है। जैसे इस बार देखो, इस बार क्या, पिछले लगभग 4-5 साल से किसान परेशान है, लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है। तो अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे तो अपनी लागत कम करें, और लागत कम होगी 13235 वैरायटी लगाने से, या कोई भी ऐसी वैरायटी जिसमें बीमारी ना लगती हो। इस तरह की वैरायटी अगर हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा बचेगा और उत्पादन। ये इधर थोड़ा सा कसले से करवाना पड़ रहा है, डोला तिरछा है।